वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता। मैं मुराज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास सिक्स की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 10 जो मैंने स्टार्ट कर रखा था फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ। आज हम डालेंगे उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो कंजरर है जो जादूगर है उसका जो फर्स्ट आगे वाली सीट पे जो ट्विंकमैन बैठा हुआ है वो किस तरह उसकी रेपुटेशन को धीरे धीरे डाउन करते हुए चला जाता है। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें कि द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वॉज रेपिडली सिंकिंग बिलो जीरो। कि जो रेपुटेशन थी उस कंजरर की, जो जादूगर था उसकी जो रेपुटेशन थी वो रेपिडली मीन्स होता है धीरे धीरे जीरो होती जा रही थी, सबकी नजरों में वो गिरता जा रहा था। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही मेड ए फाइनल एफर्ट। और बिल्कुल जो शाम थी वो नजदीक आती जा रही थी और उसको अब फाइनल एफर्ट उसने डाला कि किसी तरह से वो अपनी रेपुटेशन को बचा सके, इसलिए उसने कुछ तरकीब निकाली और वो तरकीब क्या है वो आगे हम देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ही सेड, उसने कहा लेडी और जेंटलमैन को संबोधन दिया एक्सप्रेस किया, आई विल प्रेजेंट टू यू कि मैं आपको दिखाऊंगा आज क्या इन कंक्लूजन द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ ट्रिपेरी। यहाँ पे वह एक जापानीज ट्रिक रिसेंटली जो हाल ही में इन्वेंटेड हुई है, इन्वेंटेड होता है आविष्कार होना, तो वहां के जो ट्रिपेरी जो लोग होते हैं वहां उनके उन लोगों के द्वारा ये जो जापानीज ट्रिक है वो रिसेंटली ही आविष्कार किया गया है, उसका इन्वेंटेड किया गया है। तो विल यू सर ही कंटिन्यूड, क्या आप देखना चाहेंगे, वो अपनी बातों को कंटिन्यू करके कहता है। टर्निंग टुवर्ड्स द क्विंकमैन, वो तुरंत जो वहां पे क्विंकमैन बैठा हुआ था उसकी ओर मुड़ जाता है। विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, क्या आप मुझे अपनी जो सोने की घड़ी है गोल्ड वॉच, वहां वो जो क्विंकमैन था उसने सोने की घड़ी पहन रखी है और वो एक ट्रिक अप्लाई कर रहा है उस क्विंकमैन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वो क्या लैंड कर रहा है कि विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, देख मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर वॉच, कि आप मुझे अपनी सोने की घड़ी देना पसंद करेंगे या देंगे। इट वॉज पास टू हिम, तो वो उसको क्या कर देता है, पास कर देता है, वो उसको दे देता है। द कंजनर थ्रू द वॉच इन टू द मोटर एंड क्रैश्ड ए स्लेज हैमर फ्रॉम द टेबल। कंजनर क्या करता है, जो जादूगर है वो उसकी वॉच को थ्रू कर देता है, फेंक देता है कीचड़ के अंदर एंड और एक्सप्लेन करता है उसको जो लोहार का जो हथौड़ा होता है, स्लेज हैमर क्या होता है, जो लोहार वाला हथौड़ा होता है ठीक है, और जो टेबल के जा लगता है वहां से उसको वो फेंक देता है वहां पे, जो उसके कीचड़े फेंक कर वहां पे जा लगता है। देयर वॉज साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, और वहां पे एक वायलेंट जैसे हम हिंसक जो आवाज आती है यानी टूटने की जो आवाज आती है, तो वो उसके जाते ही जो टूटने की जो आवाज आई है, तोड़ना या टूटना जैसे हम कहें, उसकी साउंड आती है। तो क्या टूटा वहां पे क्या टूटा, जो उसकी सोने की फोर्स थी। ही इज स्लिप इट अप हिज स्लीव्स विस्पर्ड द क्विंकमैन, अब उसने क्या क्या कहा है कि ये कैसे स्लिप हुई है, स्लीव से स्लिप हुई है, और वो जो क्विंकमैन है वो विस्पर फिर से विस्पर करने लग जाता है ठीक है, फिर से फुसफुसाने लग जाता है। नाउ सर कंटिन्यू द कंजनर, अब जो कंजनर फिर से उसे कंटिन्यू करते करके विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट, फिर से वह उसे क्या मांगता है कि आप मुझे अपना रुमाल देना और पंच करना उसमें होल करना क्या मुझे अलाउ करते हो, आप क्या मुझे सहमति देते हो, तो फिर वो अलाउ करते हैं उसे। एंड थैंक यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि देखो लेडीज एंड जेंटलमैन देर इज नो डिसेप्शन, कि ये कोई धोखा नहीं है, द होल्स आर विजिबल टू द आईज, कि इस होल्स को आप बिल्कुल देख सकते हैं, विजिबल है ये, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप इसको आप देख नहीं सकते, विजिबल है ये। द फेस ऑफ द क्विंकमैन बीम्ड, जो क्विंकमैन का जो फेस होता है वो मुस्कुराने वाला होता है, वो उसको देख के मुस्कुराता है। दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम, क्योंकि इसमें जो मिस्ट्री हो रही थी वो बिल्कुल मोहित करने वाली थी और रियली वास्तव में
उसको एकदम से रहस्यवादी थी। और इस जादू को देख के जो कि मैन था काफी उसे अच्छा लगा। नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट। देन उसके बाद वो उससे क्या मांगता है, क्या पास करने के लिए कहता है, उससे वो उसकी हैट पास करने के लिए कहता है और अलाउ उससे अपनी सहमति लेता है कि आप मुझे इसके ऊपर डांस करने के लिए मुझे अनुमति दें। थैंक यू सर। द कंजनर मेड सम मोमेंट्स विद हिज फिट एंड एग्जिबिटेड द हेट क्रस्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। और जो कंजनर था वो कुछ ही क्षण में वह अपने पाँव के साथ वो करतब दिखाता है अपने पाँव पे, और जो हेड थी उसके ऊपर वो करतब दिखाने स्टार्ट कर देता है। क्रस्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन, और उसका जो वो टूटना होता है क्रस्ट, यानी जिस तरह से वो उसके ऊपर डांस करता है जिसमें से वो बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, तो ये पहचान थोड़ी थोड़ी सी उससे अलग थी। विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल। थैंक यू। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि क्या आप मुझे अपनी शर्ट उतार के देंगे, सॉरी जो शर्ट के जो कॉलर है वो मुझे देंगे, और मैं आपसे परमिट लेता हूँ यानी कि आपसे अलाउ करता हूँ कि मैं इसे कैंडल में जला सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से सबसे पहले वो उसकी गोल्ड वॉच को तोड़ता है, देन उसकी जो जो रुमाल होता है उसे लेता है, देन उसके बाद जो उसकी सिल्क वाली हैट होती है वो लेता है, देन उसके बाद जो शर्ट की कॉलर होती है उसे जला देता है। तो जितना उसने उस पिक मैंने उसे परेशान किया है वो पूरा पूरा उसका रिवेंज लेता है, उसका बदला लेता है। देन आगे हम देखें कि सर नाउ विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टिकल्स फॉर योर विद माई हैमर। देन विल यू, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि आपने चश्मा जो उसने चश्मा लगा रखा था वो ग्रसते हुए, ठीक है, इसमें से होता है गरजना या टूटना फूटना एनीथिंग के, तो वो उसके लिए उस हैमर के थ्रू उसे तोड़ने के लिए वो अलाउ करता है। हम यहाँ गरजने की जगह टूटना भी कर सकते हैं, उसे तोड़ने के लिए, मैंने पीछे भी लिखा था ये तोड़ना, ठीक है। एंड देन थैंक यू, फिर उसे धन्यवाद देता है। बाय दिस टाइम द फीचर ऑफ द क्विक मैन वर टेकिंग ऑन ए पजल एक्सप्रेशन। अब इस समय जो जो उसकी फीचर्स थे, उसकी जो विशेषताएं थी किसकी, उस क्विक मैन की, अब वो कर रहा उस पजल को एक्सप्रेस कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है ये, वो उस पजल को थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वन बाय एक एक करके उसकी सारी चीजें वहां से लेते जा रहा है, उसे डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा है। दिस थिंग बीट्स मी ही विस्पर्ड, आई डोंट सी थ्रू इट इट ए बीच। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं कि ये जो चीजें उसे बीट कर रही हैं, दिस थिंग, ये जो चीजें हैं मुझे बीट करते हैं, और फिर से वह विस्पर करने लग जाता है, फिर से वो विस्पर करता है, फुसफुसाहट की आवाज करता है। आई डोंट सी, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से ये बीट, इस बीट को मैंने कभी नहीं देखा है। देयर वॉज ए ग्रेट हस अपॉन द ऑडियंस। अब इस बार जो ऑडियंस थी उसके ऊपर उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके उसे देख रही थी और चुपचाप उसके इस मिस्ट्री को देखे जा रहे थे। अब इस बार कोई हंगामा नहीं हुआ। देन द कंजनर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट एंड विद ए विदरिंग लुक एट द क्विक मैन। और जो जादूगर था वो बिल्कुल उसको अट्रैक्ट करने में सफल रहा, उसकी जो हाइट थी, उसकी जो उसके बिल्कुल विदिंग लुक है, उसके जो उसका जो मुरझाया हुआ चेहरा था, विदिंग होता है मुरझाया हुआ चेहरा, उसे क्विक मैन के ऊपर उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट है ना, उसको अट्रैक्ट कर रहा था, वो फुल हाइट थी और उसका मुरझाया हुआ चेहरा था, उसको फुल अट्रैक्ट कर रहा था वो। ही कंक्लूडेड, लेडीज एंड जेंटलमैन यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव। फिर से वो लेडीज और जेंटलमैन को संबोधन करते हुए क्या कहता है, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विद दिस जेंटलमैन से परमिशन, कि ये सब करने मैं ये सब करूंगा बट किसकी परमिशन के साथ है? कि इस जेंटलमैन की परमिशन के साथ, ब्रोकन हिज वॉच, सॉरी जो मैंने सब किया है इसकी परमिशन से मैंने ये किया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले इससे परमिशन मांगी थी। जैसे जो क्या क्या किया था, ब्रोकन हिज वॉच, उसके ब्रोकन को तोड़ना, उसकी वॉच को तोड़ना, ब्रंट हिज कॉलर, उस कॉलर को जलाना, स्मैश हिज स्पेक्टल्स, उसकी जो चश्मे थे स्पेक्टल्स थे उसको छीनना तोड़ना, एंड डांस ऑन हिज हैट, और उसकी हेड पे डांस करना। इफ ही विल गिव
गिव मी फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन हिज और गॉट। और वो करने के बाद वो फिर से उसे आगे की परमिशन मांग रहा है कि यदि आप मुझे आगे की परमिशन देते हो तो मैं आपकी जो पेंट जो आपने जो पैंट पहन रखी है वो और उसके ऊपर जो ग्रीन स्ट्रिप्स हैं जो ओवरकोट के ऊपर ग्रीन मैंने जो ग्रीन कलर की धारियां हैं वो और टू टाई हिज सस्पेंडर्स इन द एक्नॉक्टे और आपने जो टाई बांध रखी है उसके ऊपर जो फीता है फीते की जो गांठ है जैसे टाई बांधते हैं ना तो उसके जो फीता होता है जो हम टाई लगाते हैं एक्नॉक्ट होता है उसकी गांठ। आई शैल बी डिलाइटेड टू इंटरटेन यू तो उसके साथ मैं आपको इंटरटेन कर सकता हूँ यानी आपको फुल इंजॉयमेंट दे सकता हूँ। इंटरटेनमेंट होता है फुल इंजॉय करना। इफ नॉट यदि नहीं तो द परफॉर्मेंस इज एट एंड तो यहीं पे हमारा परफॉर्मेंस एंड हो जाता है। तो जो जादूगर वो कह रहे कि अगर मुझे ये टाई और पैंट और इसकी जो नीचे वाली स्ट्रिप्स वाली जो शर्ट अगर वो मुझे देता है तो मैं आगे आपको और इंजॉयमेंट दे सकता हूँ। एमिड ए ग्लोसरीज बर्स्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा और इसी के साथ उन लोगों के बीच में जो म्यूजिक है वो फटने लग जाता है बाजे के ऊपर। फटने का मतलब बिल्कुल लाउडली वहां पे म्यूजिक बजता है तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है बाजा बजना ऑब्वियसली में फटना है बिल्कुल पूरी लाउडली से म्यूजिक बजता है। एक कर्टेन फेल और निश्चित जो एक पर्दा है गिरता है कर्टेन फेल एंड एक पर्दा गिरता है एंड द ऑडियंस ब्रोक अप कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक्स और जो ऑडियंस होती है फिर से उसे कन्विंस करती है कि वह कुछ ट्रिक्स उसे उन लोगों को दिखाए ऑडियंस को दिखाए एट एनी रेट किसी भी कीमत पे दैट आर नॉट ऑफ द कंजरर्स स्लीव्स कि ये जो उसने जो जादू दिखाया है वो उसके जादूगर के स्लीव में से नहीं निकला है बल्कि ये मिस्ट्री है और ये रियल है तो हम आगे वाला जादू किसी भी कीमत पे देखना चाहेंगे। तो देखा गाइस हमें बेमतलब में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है अब बेमतलब में किसी को परेशान करते हैं तो आगे जाके पता नहीं वो कैसी कंडीशन हमारे साथ अप्लाई हो जाए कैसी कि हम किस सिचुएशन में फंस जाएं। तो हमेशा लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए ना कि हम लोगों को परेशान करें। इसी के साथ हमारा जो सेकेंड ये जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट फिनिश हो गया है और अब जल्दी मैं इसके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक देना तो जरूर बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है अगर ड्यूरिंग द वीडियो आपको अच्छे से लिसन नहीं होता है सुनाई नहीं देता है तो आप ईयरफोन या ब्लूटूथ को यूज़ में लिया करो उसके थ्रू आप सुना करो जिससे कि वॉइस है बिल्कुल ही क्लियर आपको सुनाई देगी। ओके गाइज बाय बाय।